पिछले चार दिनों से दिल्ली प्रवास पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वापस लौटे देहरादून। धामी ने दिल्ली में पीएम मोदी समेत कई मंत्रियों से की मुलाकात। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में कांग्रेस, भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर साधन शाह। मोदी ने आज ओलंपिक जाने वाले 15 खिलाड़ियों से की बात, बोले अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत है। पीएम ने हिल स्टेशन पर उमड़ी भीड़ पर जताई चिंता, कहा तीसरी लहर को रोकने के लिए मस्ती पर लगाना होगा ध्यान। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर नहीं लगेगी रोक, लेकिन कांवड़ियों को करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। पिछले चार दिनों से दिल्ली प्रवास पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून लौटे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब से प्रदेश के मुख्य सेवक की भूमिका मिली है उसके बाद दिल्ली का यह पहला दौरा था। इस दौरान प्रधानमंत्री समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, सभी का आभार व्यक्त किया है और उत्तराखंड में संचालित हो रही केंद्रीय योजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए आग्रह किया है, जिस पर सभी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसके बाद मैं पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और गृहमंत्री जी का और सभी केंद्रीय नेताओं का मैं धन्यवाद करने के लिए गया था, आभार व्यक्त करने के लिए गया था। उसमें मैंने उत्तराखंड से जुड़े हुए बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में भी मैंने वहाँ पर अनुरोध किया, वहाँ पर बात की और सभी केंद्रीय मंत्रियों से भी मिला, क्योंकि उसकी एक लंबी लिस्ट है, आप लोगों को मैं अगर चाहेंगे तो वैसे दे दूँगा। तो वहाँ से लगातार इस बात का प्रोत्साहन दिया गया कि उत्तराखंड को जो भी केंद्रीय मदद मिल सकती है यथासंभव वो सारी मदद मिलेगी। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी समेत सभी का हृदय की गहराइयों से, सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ कि जल्द से जल्द हमको जो है बहुत सारी और योजनाएं जो हमारी चल रही हैं उनको और गति मिलेगी और कुछ और नई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई। प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की दखल से सभी राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। वहीं कांग्रेस हरीश रावत के चेहरे के साथ उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम किया है। प्रदेश के युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश विकास के लिए तरस रहा है। नशे पर अंकुश लगाने में नाकामयाब हो चुकी है सरकार, युवा पीढ़ी को दलदल में घसीट रही है। केजरीवाल जी पहले दिल्ली को सुध ले लें, तब तो वो उत्तराखंड की बात करें। दिल्ली का बदहाल कर रखा है और चले हैं उत्तराखंड को वो देखने के लिए। ये सिर्फ एक तरीके से देखा जाए लोगों को बरगलाने का कार्य करें, लेकिन जनता ने अपना मुंह बना लिया है। और रही बात, जनता ने पिछले पाँच साल में भाजपा का भी कार्य देख लिया, पूरी तरीके से विफल रहा है। जनता से इनका मोह, जनता का मोह। कोरोना काल में लोग रोजी रोटी के लिए जंग लड़ रहे हैं, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, तो वहीं जिनके पास नौकरी बची है वो भी परेशान है क्योंकि कंपनियां अपने कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं दे रही हैं। ऐसे में कर्मचारियों के सामने घर का खर्च चलाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भगवानपुर में स्थित यूरोलाइफ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले चार महीने से कंपनी ने सैलरी नहीं दी है, हालात ये हो गए हैं कि उनके घर का खर्च तक नहीं चल पा रहा है, लेकिन कंपनी के अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जब बात करने की कोशिश की जाती है तो एचआर एक दो दिन का टाइम लेकर भगा देते हैं। सामान नहीं है, बिल्कुल बहुत परेशान हो रहे हैं हम। घर में सामान भी नहीं है हमारे और परचून की दुकान वाले के बहुत पैसे हो रहे हैं। मेरे पापा भी नहीं है और कंपनी में भी यहाँ पे मतलब कि काम नहीं लग रहा, ना कहीं और पर लग रहा काम। बहुत ज्यादा मजबूरी है हमारे पे और मेरा भाई भी मतलब कि छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है भाई। तो क्या घर में आप ही कमाते हो कंपनी के द्वारा? और मैं, मेरी बस, मैं हम ही कमाते हैं। कितने महीने की तनख्वाह है आपकी? चार महीने की तनख्वाह है सर। और कंपनी वाले देने से क्या बोल रहे? मना कर रहे सर अभी कि मतलब कि कल को देंगे परसों को देंगे, इसको बोल दे।
चंपावत जिले में बनाए गए वैक्सीन सेंटर्स पर तेजी से लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे लोगों में काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन फिर भी वैक्सीन नहीं लग पा रही थी। अब लोगों को आसानी से वैक्सीन की डोज लग रही है। मैं अभी वैक्सीन लगा के आ रही हूँ। मुझे वैक्सीन लगाए हुए कम से कम आधा घंटा हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीनेशन के बाद हल्का बुखार और हल्का बदन दर्द होगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा वैक्सीनेशन जल्दी हो गया, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। यहाँ ना कोई हॉस्पिटलों की सुविधा है, ना अच्छे अस्पताल। देवीधरा अस्पताल में वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। पर डे लगभग 100 के करीब लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब हमारे अस्पताल में 18+, 45+ और 60+ सभी का लग रहा है। सबके स्लॉट्स हैं, अपना बुकिंग करके आ रहे हैं, उनका भी लग जा रहा है और ऑन स्पॉट भी हम यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वहीं सोमवार को ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक बुलेट सवार युवक बरसाती नाले में बह गया था। युवक की तलाश के लिए SDRF और SSB की टीमों को लगाया गया था, लेकिन नाले के तेज बहाव और गहरी खाई होने के चलते युवक का पता नहीं चल पाया था। बता दें कि शुभम चंद्र कोऑपरेटिव बैंक थराली में कैशियर के पद पर कार्यरत था। सोमवार सुबह वो अपने घर से ड्यूटी पर जा रहा था। शुभम की लगातार तलाश की जा रही थी। मंगलवार को SDRF और पुलिस की टीम ने बैनोली गांव से सटे जंगल के नाले से युवक का शव बरामद किया। युवक का शव बरामद होने के बाद मृतक के परिवार में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार में पिछले हफ्ते ज्वेलरी शोरूम से दिन दहाड़े हुई 2 करोड़ की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 किलो, 300 ग्राम सोना, 6 किलो चांदी और 12 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी यूपी के बुलंदशहर जिले के ताऊ गैंग से संबंध रखते हैं। इन सभी के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस घटना में शामिल 2 अन्य लोगों की तलाश कर रही है। SSP सेंथिल अबुदाई ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि सतीश चौधरी उत्तर भारत के सबसे खूंखार ताऊ गैंग का सक्रिय सदस्य है, जो अक्सर शहर के मुख्य व्यस्त इलाकों में बड़ी बड़ी लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता है। ये जो है, जो 11 तारीख को जो है हमने प्रेस मीट कराया था, ये जो 8 तारीख का जो मोरतरा ज्वेलर्स में जो डकैती पड़ी थी, उसमें 3 मेंबर्स को जो है उसी दिन हमने जो है जेल भेजा था। उसी का जो पूछताछ में जो नाम सामने आए, 5 नाम सामने आए, उसमें जो है ताऊ गैंग जो कहते हैं उनका गैंग का दौरा निर्मल
ये एनजीओ श्री माता जी ने अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए खोला गया था और इसके तहत पहले इस सचिव के लिए काम करेंगे तो उद्घाटन किया गया जो बिल्डिंग सचिव को जानने से उनके जीवित संबंधों को समझ जा सकता है इतने सारे दर्शकों की टीम का आठ दर्शकों की इस जनता के नेट में इतने जीवित व्यक्ति घर बैठे विशेषज्ञ चिकित्सकों से निशुल्क ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकता है। रोस्टर के हिसाब से प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार जिला प्रशासन सभी गोदाम प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अल्मोड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने अटल आदर्श उत्कृष्ट राजकीय विद्यालय का उद्घाटन किया, साथ ही हरेला पखवाड़ा के तहत विद्यालय परिसर में राज्य में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद के बाद धान की खरीद की तैयारियों में राज्य सरकार जुटी है। राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा धान की फसल का समर्थन किया। उधम सिंह नगर जिले के दौरे के दौरान
किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर आने वाली धान की फसल की खरीद को लेकर किसानों को आश्वस्त किया। राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने मीडिया से कहा कि राज्य सरकार द्वारा 3 माह बाद आने वाली धान की फसल की खरीद को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। वहीं केंद्र सरकार द्वारा धान की फसल का समर्थन मूल्य 72 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया गया है। अभी से मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं और अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अक्टूबर में धान की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो जाती है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो व्यवस्था पिछली बार थी उससे भी अच्छी व्यवस्था इस बार किसानों को दी जाए, ताकि किसानों का पूरा जो धान है वो MSP पर खरीद की जाए और समय से उनको भुगतान हो। देखिए 72 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से केंद्र सरकार ने जो धान का मूल्य है MSP उसको बढ़ाया है और मैं इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों के हित में बहुत गंभीरता से किसानों के हित को सोचा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम TV।